हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2008 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म रेवोल्यूशनरी रोड के बारे में, जिसे जस्टिन हेथ ने लिखा और सैम मेंडिस ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म 1961 में रिचर्ड येट्स द्वारा लिखे सेम नाम से आए नॉवल पर आधारित थी। इस फिल्म में लियोनार्डो डी कैप्रियो, केट विंसलेट और कैथी बेट्स मुख्य भूमिका में नज़र आते हैं, और ये उनकी ऑन स्क्रीन सेकेंड टाइम कोलेबोरेशन थी। इससे पहले तीनों टाइटैनिक में इकट्ठे नज़र आए थे। क्रिटिकली इस फिल्म को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, और केट विंसलेट और लियोनार्डो डी कैप्रियो की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहा गया था, जिसकी वजह से केट को अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। ।1948 फिल्म के शुरुआत में फ्रैंक व्हीलर और अप्रैल एक पार्टी में मिलते हैं, जहां फ्रैंक बताता है कि वो एक डॉक लोडर है। डॉक लोडरी या डॉकर वो लोग होते हैं जो शिप्स, ट्रक या ट्रेन में से सामान उतारते हैं। पर वो कहता है कि वो जल्द ही एक कैशियर की नौकरी करने वाला है, और अप्रैल उसे बताती है कि वो एक्टिंग की क्लासेस ले रही है और वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। यहाँ पहली नज़र में ही दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। अब फिल्म कुछ आगे निकलती है और दोनों शादी कर लेते हैं, और अब फ्रैंक एक नॉक्स मशीन कंपनी में सेल्स पर्सन का काम करता है, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ऊब चुका था। उसे अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर फिर भी उसे करना पड़ता है, और अप्रैल काफ़ी कोशिश के बावजूद एक्ट्रेस बनने में नाकाम रहती है, पर छोटे मोटे थिएटर प्ले करती रहती है। और ऐसे ही एक प्ले के दौरान जब प्ले खत्म होता है तो ऑडियंस को उनका प्ले बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो आपस में बातें करते हैं कि प्ले कितना टेरिबल था। ये बात ऑडियंस में बैठा फ्रैंक सुन लेता है। प्ले के बाद फ्रैंक मेकअप रूम में अप्रैल को मिलने जाता है, पर अप्रैल भी अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी नाखुश होती है और अपनी नाकामी पर रोती है। रास्ते में उनके पड़ोसी मिली और शेप उन्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं। जब वो अप्रैल को इसके बारे में बताता है तो वो कहती है कि वो नहीं जाना चाहती। यहाँ दोनों के बीच एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है, जिसमें अप्रैल के बोलचाल में कुछ कड़वाहट सी नज़र आती है, जैसे वो अपनी ज़िंदगी से हार चुकी हो। खैर, अब वो घर के लिए निकलते हैं, और रास्ते में फ्रैंक एक अच्छा हस्बैंड होने की खातिर अप्रैल को कंसोल करने की कोशिश करता है, जिस पे अप्रैल और चिढ़ जाती है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रैंक भी अपना आपा खो देता है और अप्रैल को मारने आता है, पर किसी तरीके खुद पे कंट्रोल करता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है। यहाँ तक दोनों की बातों से ऐसा लगता था कि दोनों अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, और शायद इसी वजह से वो कड़वाहट अब उनकी पर्सनल लाइफ में भी भर चुकी थी। अब आगे जब फ्रैंक काम के लिए अपने ऑफिस जाता है तो उसके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लगता था कि जैसे वो बस अपनी ज़िंदगी काट रहा हो, और अप्रैल घर में रहकर घर का काम करती। यहाँ घर में वो एक फ्लैशबैक देखती है, जब पहली बार मिसेज हेलेन गिविंग्स उसे वो घर दिखाने लाई थी जहाँ अब वो रह रहे थे। उसे वो घर बहुत पसंद आया था, और तब से वो हेलेन और उसके पति हावर्ड गिविंग्स के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, जो अक्सर उनके घर आते जाते रहते थे, और वो व्हीलर्स को भी एक परफेक्ट कपल मानते थे। इधर फ्रैंक को उसका बॉस अपने कैबिन में बुलाता है और काम पूरा ना करने के लिए उसे फटकार लगाता है, पर वो इस बात को मजाक में टाल देता है। अब अगले सीन में फ्रैंक अपनी एक सेक्रेटरी पे काम करने के बहाने लाइन मारता है, जो बहुत सुंदर थी, और उसे लंच पे इन्वाइट करता है। अब लंच पे वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और फिर उसे एक जोक सुनाता है। जोक ये होता है कि उसके पिता ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल उस कंपनी में सेल्स पर्सन के तौर पे गुजारे थे, और उसे लगता था कि उसके पिता की जॉब काफ़ी बोरियत से भरी थी, और उसने कसम खाई थी कि बड़े होकर वो अपने पिता के जैसा मिजरेबल नहीं बनेगा। पर आज देखो, मैं वही काम कर रहा हूँ जो मेरे डैड करते थे। मतलब वो भी एक मिजरेबल मैन बन चुका था, जो अपनी ज़िंदगी और नौकरी से ऊब चुका था और कुछ नया करना चाहता था, और टॉप ऑफ दैट आज वो 30 साल का हो चुका था और आज उसका बर्थडे था। अब लंच के बाद दोनों सेक्रेटरी के अपार्टमेंट में जाते हैं और सेक्स करते हैं। अब यहाँ दोनों कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद फ्रैंक जल्दी जल्दी अपने घर के लिए निकल जाता है। इस बीच मिसेज हेलेन गिविंग्स अप्रैल के घर आती है और कॉफ़ी पीते पीते अपने बेटे जॉन के बारे में बताती है कि वो थोड़ा दिमागी कमज़ोर है, जिसकी वजह से उसे मेंटल असाइलम में दिखा रहे हैं, पर शायद नए लोगों के साथ मिलने के बाद वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो क्या मैं उसे तुम दोनों से मिलाने ला सकती हूँ? तो इस पे अप्रैल बिना झिझके हाँ कर देती है, जिस पे मिसेज हेलेन बहुत खुश होती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अप्रैल कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स देखती है और उनमें से उसे एक पेरिस की फ़ोटोग्राफ मिलती है, जिससे उसे याद आता है कि फ्रैंक ने एक बार उसे कहा था कि अगर उसके पास कोई चॉइस होती तो वो पेरिस सेटल हो जाता, और बस वो मन बना लेती है कि अब पेरिस ही जाना है।
अब रात में फ्रैंक अपने घर पहुंचता है तो अप्रैल एक स्माइल के साथ फ्रैंक का वेलकम करती है और फिर उसे अंदर इनवाइट करती है, जहां वो उसे बर्थडे केक के साथ सरप्राइज देते हैं, जिसे देखकर फ्रैंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रात को अप्रैल वो आइडिया फ्रैंक को सुनाती है और उसे कहती है कि हमारी सेविंग्स और घर को बेचने के बाद हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम पेरिस में कम से कम 6 महीने बिना कुछ किए गुजारा कर सकते हैं और मैं वहाँ सेक्रेटरी का काम कर लूँगी, क्योंकि सेक्रेटरीज़ को काफ़ी पैसे देते हैं, और तुम अपनी लाइफ एंजॉय करना और जो कुछ तुम करना चाहते थे वो सब करना, और आखिरकार हम इस होपलेस लाइफ से निजात पाकर नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। पहले तो फ्रैंक ये आइडिया सुनकर हंसता है, पर बाद में कुछ देर सोचने के बाद और अप्रैल के इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाता है और दोनों हग करते हैं। अब दोनों पहले से काफ़ी खुश रहने लगे थे और उनके बीच झगड़े भी कम हो गए थे, क्योंकि उन्हें पेरिस जाने की एक्साइटमेंट थी। फ्रैंक अपने ऑफिस में ये बात अपने क्लिक्स को बताता है, जिसे सुनकर वो उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। फिर वो ये बात अपने नेबर शेप और मिली को बता देते हैं कि वो अगले कुछ महीनों में यहाँ से पेरिस शिफ्ट हो जाएंगे, जिसे सुनकर पहले तो वो शॉक हो जाते हैं, पर बाद में उन्हें उनके लिए खुशी होती है। पर रात में वो उनके आइडिया पर हंसते हैं कि ये कितना बचकाना सा आइडिया है। मिली वो सब याद करके रोती है। अब उसके रोने का कारण समझ नहीं आता, शायद वो ये सोचकर रो रही थी कि एक अच्छे नेबर उनसे दूर जाने वाले हैं या फिर उनकी लाइफ उनसे ज़्यादा अच्छी होने वाली थी। अब आगे फ्रैंक खुशी खुशी अपने ऑफिस जाता और अप्रैल सारे ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स पूरे करती है और अपने वीज़ा वगैरह का बंदोबस्त करती है। ऑफिस में फ्रैंक को उसका बॉस अपने कैबिन में बुलाता है और अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलाता है। फ्रैंक मन में ये सोचता है कि आज तो वो खुद उसे फायर कर देंगे, क्योंकि कुछ हफ्ता पहले उसने एक प्रोजेक्ट में उल्टी सी राय दी थी, पर ये राय उन्हें बहुत पसंद आती है और वो उसे फायर करने के बजाय उसकी प्रमोशन कर देते हैं, जिसे सुनकर फ्रैंक पशुपेश में पड़ जाता है, क्योंकि उसने तो वहाँ से जाने का मन बनाया था पर उल्टा उसकी प्रमोशन हो गई, और उसे समझ नहीं आता कि वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, क्योंकि एक तरफ तो उसकी नई जिंदगी उसका वेट कर रही थी जहाँ वो जाना चाहता था, और दूसरी तरफ उसकी वही घिसी पिटी लाइफ और नौकरी पर जहाँ वो पहले से ज़्यादा पैसे कमा सकता था, पर इससे उसे अपनी खुशियों को दांव पे लगाना पड़ता, तो वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता और इसका फैसला वक्त पे छोड़ देता है। अब एक दिन मिस्टर और मिसेस गिविंग्स उनके घर अपने बेटे जॉन के साथ आते हैं। जॉन एक बहुत ही बड़बोला व्यक्ति होता है, जिसे कोई सेंस ऑफ मैनर नहीं होता और जो बात उसे अच्छी नहीं लगती वो सीधा मुँह पर बोल देता है। अब घर में वो ऊट पटांग सी हरकतें करता है जो फ्रैंक और अप्रैल को अच्छी नहीं लगती, पर वो बड़े पोलाइटली उससे डील करते हैं और शांत रहते हैं। यहाँ दोनों मेंशन करते हैं कि वो पेरिस जाने वाले हैं और एक नई लाइफ की शुरुआत करने वाले हैं, जिसे सुनकर मिस्टर एंड मिसेस गिविंग्स शॉक हो जाते हैं और जॉन अपनी माँ पे हंसने लगता है कि वो उन परफेक्ट कपल से उसे मिलवाने लाए हैं जिनका यहाँ दम घुटता है। तो फ्रैंक उसे वॉक पे जाने के लिए कहता है। अब वॉक के दौरान उन्हें पता चलता है कि जॉन एक मैथमेटिशियन था, पर उसकी मेंटल कंडीशन की वजह से उसे इलेक्ट्रोशॉक दिए जाते थे, जिसके बाद वो सब भूल गया। यहाँ बातों ही बातों में जॉन उनसे पूछता है कि वो यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं, तो फ्रैंक बताता है कि वो यहाँ की नाउम्मीदगी खोखली जिंदगी से थक चुके हैं और इसीलिए वो यहाँ से जाना चाहते हैं। तो जॉन इससे अग्री करता है और कहता है कि बहुत हौसला चाहिए ये एक्सेप्ट करने के लिए कि यहाँ की लाइफ नाउम्मीदगी से भरी हुई है। मतलब वहाँ सब लोग बस अपनी लाइफ काट रहे थे, पर किसी में यह हौसला नहीं था कि वो कुछ नया कर जाते, पर व्हीलर्स ने कर दिखाया। तो जॉन उनसे काफ़ी इम्प्रेस होता है और ये सब सुन के उनके इरादे और मजबूत हो जाते हैं। अब आगे लंच के दौरान फ्रैंक चीफ एग्जीक्यूटिव बार्ट को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो ये जॉब छोड़ना चाहता है, पर बार्ट कहता है कि लाइफ में ज़िंदगी तरक्की पाने के कुछ ही चांसेस देती है और हमें वो ग्रैब करने चाहिए, और वो वाकई चाहता था कि फ्रैंक यहाँ रुके और उसे फिर से अपना प्लान रिकंसीडर करने को कहता है। तो फ्रैंक इसके बारे में सोचने लगता है। अब अगले सीन में अप्रैल फ्रैंक को बताती है कि वो 10 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला, और वो बताती है कि 12 हफ्तों के पहले कुछ किया जा सकता है। उसका इशारा अबॉर्शन की तरफ होता है, पर फ्रैंक इसके फेवर में नहीं होता। पर वो इस बच्चे के साथ पेरिस भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इसकी वजह से उनका पूरा प्लान बिगड़ सकता था, पर अब वो करते भी तो क्या करते। तो उनमें इस बात को लेकर तनाव बढ़ने लगता है और छोटी छोटी आर्गुमेंट्स होने लगती हैं। अब एक सीन में बीच पे जब वो मिली और शेप के साथ होते हैं तो अप्रैल को उसकी प्रमोशन के बारे में पता चलता है, तो उसे लगता है कि प्रमोशन की वजह से शायद वो यहाँ से जाना नहीं चाहता,
पर वो कहता है कि उसने अभी ये एक्सेप्ट नहीं किया है और ये सिर्फ एक ऑप्शन है। अब घर में दोनों के बीच प्रमोशन को लेकर बहस होती है, जिसपे अप्रैल फिर से फ्रैंक को इंसिस्ट करते नजर आती है। अब आगे बाथरूम यूज करते समय फ्रैंक को वहां से अबॉर्शन किट मिलती है। वो गुस्से से अप्रैल पे चिल्लाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो अप्रैल को अपने सपने टूटते नजर आते हैं और वो बताती है कि पहले भी हमारे साथ ये हो चुका है, हम यहाँ इसीलिए आए थे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, पर अब नहीं, मैं अपने सपनों को कुर्बान नहीं कर सकती। वो स्ट्रांगली अपनी बात पे अड़ी रहती है, पर फ्रैंक क्लियर कर देता है कि उनका बच्चा पेरिस में नहीं होगा, मतलब अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। तो काफ़ी बहस के बाद अप्रैल भी ये स्वीकार कर लेती है कि वो पेरिस नहीं जाएंगे। अब अगले दिन फ्रैंक प्रमोशन एक्सेप्ट कर लेता है और फिर से एक उबाऊ जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करता है, पर उसके दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अब रात को वो अपने नेबर शैपर मिली के साथ एक जैज बार में जाते हैं, जहां वो उनको अपनी ट्रिप कैंसिल के बारे में बताता है, जिसे सुनकर मिली बहुत खुश होती है। अब फ्रैंक अप्रैल को डांस के बारे में पूछता है, पर उसका मूड ऑफ होने की वजह से वो ना कर देती है, जिसपे फ्रैंक मिली के साथ डांस करता है। कुछ टाइम वहां स्पेंड करने के बाद वो घर के लिए निकलते हैं, पर शेप की गाड़ी ब्लॉक होती है और दोनों के घर पे नैनीज उनका वेट कर रही होती हैं। तो फ्रैंक मिली को अपने साथ ले जाता है और शेप पर अप्रैल को बाद में आने को बोलता है। अब यहाँ बार में शेप अप्रैल को कंसोल करता है और उसके साथ डांस करता है। अब यहाँ दोनों खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते और कार में सेक्स करते हैं, तो शेप उसे बताता है कि वो हमेशा से उसके साथ वो करना चाहता था। अब अगले दिन फ्रैंक अप्रैल से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे इग्नोर करती है, जिसपे फ्रैंक उसे बताता है कि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। पर अप्रैल कहती है कि उसे कोई परवाह नहीं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि अब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब उनकी बातचीत झगड़े तक आती, इससे पहले गिविंग्स फैमिली आ जाती है, जिसे उन्होंने लंच पे इनवाइट किया था। अब लंच के टाइम वो उन्हें बताते हैं कि उनका प्लान कैंसिल हो गया। तो ऑफकोर्स मिसेज हेलन को अच्छा लगता है कि उनका आइडल कपल यहाँ से नहीं जा रहा, पर जॉन इसे काफ़ी नाखुश होता है और फ्रैंक और अप्रैल की ये कहकर इंसल्ट करता है कि अब वो अपनी ज़ुबान के नहीं रहे। और हद तो तब हो जाती है जब वो कहता है कि शायद तुमने अप्रैल को प्रेग्नेंट ही इसीलिए किया है ताकि तुम्हें पेरिस ना जाने का बहाना मिल जाए। अब ये सब सुन के फ्रैंक की सटक जाती है और वो उसे मारने आता है, पर कंट्रोल करता है। तो जाते वक्त जॉन अप्रैल को कहता है कि मुझे एक बात की खुशी है कि मैं तुम्हारी कोक से जन्म लेने वाला वो बच्चा नहीं होऊंगा जो इस मिजरेबल फैमिली का हिस्सा बनेगा। उनके जाने के बाद दोनों में फिर से काफ़ी झगड़ा होता है और फ्रैंक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और चीज़ें उठाकर फेंकने लगता है। ये देखकर अप्रैल घर से बाहर चली जाती है। फ्रैंक उसका पीछा करता है, पर वो कहती है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। तो फ्रैंक घर वापस आ जाता है। फ्रैंक बहुत शराब पी लेता है और बेहोश हो जाता है। जब सुबह उठकर वो ऑफिस के लिए तैयार होता है तो वो देखता है कि अप्रैल किचन में काम कर रही होती है और बड़े पोलाइटली उससे बात करती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि आखिर इसे हुआ क्या, पर वो भी कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता है। पर जाने से पहले उससे पूछता है कि क्या वो अब भी उससे प्यार करती है, तो वो कहती है यस ऑफ कोर्स। अब बर्तन साफ करते वक्त उसका हौसला टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोती है। अब घर में जब वो अकेली होती है तो वो पानी गर्म करके बाथरूम में जाती है और अबॉर्शन करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आती है तो उसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि उसका बहुत तेज़ी से खून बहने लगता है। तो वो एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। जब फ्रैंक को इस बात की खबर मिलती है तो वो भागकर हॉस्पिटल जाता है। तो उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसने अपना ये हाल खुद किया है, जिसकी वजह से उसकी कैपिलरीज टूटने की वजह से काफ़ी खून बह चुका था और अब कुछ कहा नहीं जा सकता। शैप उसे कंसोल करने की कोशिश करता है और उसके लिए कॉफ़ी लेने जाता है, जहां वो भी रो देता है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि अप्रैल अब नहीं रही, तो फ्रैंक अंदर से टूट जाता है और पागलों की तरह सड़क पर भागने लगता है। अब इसके कुछ टाइम बाद एक नया कपल ब्रेसिस वहां रहने आता है, जहां पहले व्हीलर्स रहते थे, और शैप और मिली उन्हें व्हीलर्स की ट्रेजिक स्टोरी बताते हैं। शैप थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बैकयार्ड में आ जाता है। मिली भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। तो शैप मिली को कहता है कि आज के बाद मैं व्हीलर्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दूसरे सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं, जो अब सिटी में शिफ्ट हो गया था और अपना ज़्यादातर समय बच्चों के साथ बिताता है। इसके कुछ टाइम बाद हेलन अपने हस्बैंड हार्वर्ड को कहती है कि ब्रेसिस इस घर के लिए बेस्ट सुटेड कपल हैं, ना कि व्हीलर्स। वो भी अच्छे थे पर थोड़े सनकी थे, पर ये उनकी तरह नहीं है,
अब जैसे जैसे वो व्हीलर्स की बुराइयाँ करती जाती है कि उसका हस्बैंड हार्वर्ड अपनी हियरिंग एड की आवाज़ कम करता जाता है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। अब अगर बात करें इसके टाइटल की तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक वो उनके घर का एड्रेस बनता था जहाँ वो रहते हैं, जो 115 रेवोल्यूशनरी रोड था, और दूसरा इसका मतलब बहुत गहरा बनता है कि एक आम सी फैमिली बड़े बड़े सपने देखती है और अपनी बेजान ज़िंदगी में फिर से रंग भरने की कोशिश करती है और इतना हौसला रखते हैं कि अपने प्रेजेंट सिनेरियो को बदल पाएं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो इसी प्रयास को डायरेक्टर ने टाइटल के थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है वो ये कि क्या अप्रैल ने सुसाइड किया था या एक्सीडेंटली वो हो गया। तो इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि इसमें सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हो सकती हैं, पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल सिर्फ अबॉर्शन करना चाहती थी और ऐसा करके वो फ्रैंक को सज़ा देना चाहती थी क्योंकि उसने उसके सपने छीन लिए थे और वो चाहती थी कि जिस हालात से मैं गुजर रही हूँ फ्रैंक भी उसी हालात से गुजरे। पर इसके साथ साथ उसे उस खतरे का भी एहसास था जो वो करने जा रही थी क्योंकि ये डेंजरस हो सकता था। इसीलिए वो प्रोसीजर को करने से पहले मिली को फ़ोन करके अपने बच्चों को प्यार देने को कहती है, पर ये सब एक भयानक सच्चाई में बदल जाता है और खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और इससे साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ अबॉर्शन ही करना चाहती थी क्योंकि अगर उसे सुसाइड ही करनी होती तो वो आसानी से कोई भी टॉक्सिक केमिकल निकल सकती थी। अब इसमें साफ तौर पर अप्रैल की ज़िद ने ही उनका घर बर्बाद कर दिया था क्योंकि वो एक दो साल के बाद भी पेरिस जा सकते थे और इसमें कुछ भी गलत नहीं होता, पर अप्रैल को लगा कि शायद उसने जो सपने देखे थे वो कभी पूरे ही नहीं होंगे और अब लाइफ में कुछ भी करने को नहीं रखा है, तो इसलिए वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। उम्मीद है एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।